जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद इकबार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज दिन बुधवार है, तिथि आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज 25 जून है, 25 जून को हमारे देश में इमरजेंसी घोषित किया था उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 वो इमरजेंसी हुआ था घोषणा। और इमरजेंसी क्या होता है, जो लोग उस समय थे और बड़े थे, होश में संभाले हुए थे, वो लोग उसको समझते, मतलब जो लोग बड़े हो चुके थे, छोटे बच्चे या टीनेजर्स जो हैं वो उनके ऊपर उतना प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन जब बड़े बड़े हो चुके थे वो लोग, उनको मालूम है और हम बड़े हो चुके थे उस समय। और हमको स्मरण है इमरजेंसी का कुछ घटनाएं अलीगढ़ जनपद में, जहाँ डीके पंडा की पोस्टिंग हुई थी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस के सीनियर स्केल में। और वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर पुरुषों का नसबंदी ऑपरेशन चलता था और बहुत सारे नेताओं को, व्यापारियों को बिना पर्याप्त कारण के गिरफ्तार करके जेल में भर दिया जाता था और बहुत आतंक का वातावरण था और सभी बहुत दहशत में थे। और जो फंडामेंटल राइट्स आदमी का होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, प्रेस, मीडिया, जुडिशियरी, ये सब जो है सबको दबा दिया गया था। तो बहुत खराब स्थिति था और पूरा देश जो है वो पूरे देश में जैसे कि कोई डिक्टेटरशिप लागू हो गया था। इंदिरा गांधी ये चला लगभग 20 महीना 21 महीना, विकिपीडिया कह रहा है 21 महीना चला, वो तारीख दिया है विकिपीडिया में इमरजेंसी। विकिपीडिया में दे रहा है तारीख पूरा, 25 जून 75 से लागू हुआ और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है संविधान के अंतर्गत। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी प्रधानमंत्री इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता है देश में। ये इंटरनल सिक्योरिटी के आधार पर इमरजेंसी लागू किया गया था कि देश में अराजकता का वातावरण फैलाया जा रहा है और देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, इसी आधार पर। तो राष्ट्रपति अगर कोई विवेकशील व्यक्ति होता तो वो उसमें सहयोग ना करता इंदिरा गांधी से। लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी जगह पे कि वो एक खिलौना था इंदिरा गांधी का, ऐसा आदमी को राष्ट्रपति बना दिया गया। और अलीगढ़ में जो हमारा अनुभव हुआ डीके पंडा का, उसमें डीके पंडा स्वयं
संजय गांधी था, इंदिरा गांधी का लड़का, बड़ा लड़का, वो ये सब जबरदस्ती नसबंदी करा रहा था कि देश का पॉपुलेशन को घटाना है। वो अपने को भगवान बना लिया था। हमारा सनातन धर्म में नसबंदी ऑपरेशन बिल्कुल मना है। किसी भी प्रकार का गर्भपात करना या नसबंदी करना कि बच्चे ना हो, इस उद्देश्य से वो पाप कर्म है। और ये पाप कर्म बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वो कराता रहा और लोग मानते रहे उसके आदेश को। वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गया था, कोई भी पद धारक नहीं था सरकार में। और जोर जबरदस्ती बाहर से रह के केवल प्रधानमंत्री का लड़का होने के नाते ये सब अपना हुक्म चला रहा था और लोग मान भी रहे थे। तो बहुत सारे डिमोलिशंस वगैरह दिल्ली में किए थे। जगमोहन बोल के वहाँ गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो इसमें बहुत नाम कमाए सहयोग करते। तो इस प्रकार का बहुत अत्याचार उस समय हुआ था। लेकिन डीके पंडा स्वयं जितना उसके पास था, जितना वो कर सकता था, उसमें उस सीमा के अंदर उसने बिल्कुल भी किसी भी इस तरह के अत्याचार के कार्यक्रम को का समर्थन नहीं किया। नसबंदी का ऑपरेशन पुलिस लाइंस के अंतर ये पुलिस लाइंस के अंतर्गत एक बिल्डिंग में हो रहा था। लेकिन वहाँ पर वो सुनिश्चित करता था कि वही जोर जबरदस्ती किसी को नसबंदी ना किया जाए, और जो भी कर रहा है मर्जी से करा रहा है और उसका देखभाल ठीक से हो रहा है चिकित्सा, ताकि उसमें कोई पक ना जाए घाव और इस तरह का टाँका उका ठीक से लगे, और एंटीसेप्टिक जो भी चीज़ें हैं, रुई वुई ये सब चीज़ें हैं, वो सब साफ सुथरा ठीक ठाक हो। और जोर जबरदस्ती जो भी होता था उसको मना कर देता, और डरता वरता नहीं था किसी से, ना संजय गांधी से ना किसी से। और बहुत सारे लोग सामान्य बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, ये सब जिला लेवल का राजनेता क्या छोटे मोटे नेता हैं, तो सबको जेल में ठोक दिए। तो बेचारे परेशान, वहाँ घर में परिवार, छोटे छोटे बच्चे, पत्नी सब परेशान। तो पैरोल एप्लीकेशन बहुत सारे आते थे उसमें। तो डीके पंडा उस समय जो SSP थे वो उनका तबादला हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, तो ये डीके पंडा को पूरा जिले का SSP का चार्ज मिला था। तो उसके उस ऑफिस में बैठ करके उसने जो भी पैरोल एप्लीकेशन लाता था इस तरह के, वो सब वो अलाउ करता था, सब अलाउ, सबको बाहर छोड़, बाहर निकालो। ऐसा लोगों का मदद किया उसने बहुत ज़्यादा। तो ये सब भगवान की कृपा, उसको ऐसी सद्बुद्धि भगवान दिए थे। एक तो निडर था, इमरजेंसी में भी वो किसी से नहीं डरता था, ना कोई डराने की प्रयास भी नहीं किया उसको, उसके ऊपर उसको सब तब तक जान गए थे। कानपुर पोस्टिंग में ही लोग उसको समझ गए थे कि ये किसी से डरने वाला नहीं, कोई गलत काम करने वाला नहीं। तो ये इमरजेंसी जो लागू किया, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? मतलब भगवान हैं, हमेशा हैं, आज भी हैं, कल भी थे, हमेशा रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो इमरजेंसी एक व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इंदिरा गांधी हटाने की दृढ़ संकल्प हो चुका था देश के अंदर कि ये हटाना है इसको, इंदिरा गांधी, तो वो अपने कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लागू किया था। एक व्यक्ति ने पूरा देश को बंधक बना लिया एक प्रकार से, और डिक्टेटर खुद बन गई, इलेक्शन में हारी भी बाद में। तो ऐसा क्यों करता है एक मनुष्य जो, उसमें देश की बहुत बदनामी हुई, लोगों की दुर्दशा हुई, प्रजातंत्र तो कहीं था ही नहीं, पूरा एक छत्र उसका हुक्म जो है वही सब कुछ था। तो ऐसा मनुष्य क्यों करता है, इसमें भगवान की क्या व्यवस्था है? यद्यपि वो विधि सम्मत तरीके से काम किया था, संविधान में धारा आर्टिकल 351 है, 351(1)
352 इस संविधान के जो प्राविधान है उसमें इस तरह का इमरजेंसी घोषणा करने का अधिकार भारत सरकार को दिया गया। तो वो इंदिरा गांधी स्वयं इसमें एक सिद्धार्थ शंकर रे बोल के चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, वो वकील भी थे, बहुत बड़े टॉप क्लास के वकील थे। उन्होंने कोई चिट्ठी उठी ड्राफ्ट करके इंदिरा गांधी से दस्तखत बनवा करके भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, और बिना कैबिनेट के अप्रूवल की, कैबिनेट में भी उसको चर्चा भी नहीं की, ना उनसे अनुमति ली, और अकेले कर लिए। दूसरे दिन कैबिनेट उसको अप्रूव किया। तो राष्ट्रपति उसको रोक सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति उनके खिलौना थे, पपेट, इसीलिए वो नहीं रोके उसको। आधी रात को ये आदेश जारी हो गया तो बस हल्ला मच गया। तुरंत जितने समाचार पत्र के बड़े बड़े थे दिल्ली में, सबके बिजली काट दिए, पानी जो भी काटना था काट दिए, उनका काम करना बंद कर दिए, प्रेस को पूरा बंद कर दिए, जुडिशियरी को, सुप्रीम कोर्ट को पूरा अपने कब्जे में कर लिए। एक एम राय बोल के उनका जो मासिक था, एक कमजोर जज, उसी को चीफ जस्टिस बना दिए, तीन तीन आदमियों को सुपरसीड करके, ऐसा ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो ये अत्यधिक अहंकार और कामना से प्रेरित होकर के, ये सुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर के, और अपने दबंगई दिखाने के लिए ये सब हरकत किया है। और ये केवल स्त्री ही कर सकती, स्त्री में दुस्साहस करने के बहुत अधिक शक्ति है। कोई भी दुस्साहस का काम जो कोई ना कर सके दुनिया में, कोई पुरुष भी ना कर सके, हिटलर भी ना कर सके, उसको कोई भी स्त्री कर लेगी, उसको खाली समझ में आ जाए इससे मुझे फायदा। स्त्री बहुत दुस्साहसी होते हैं, उनको कोई कमजोर ना समझे। तो अहंकार और कामना से ग्रसित होकर के उसने ये काम किया। कि जो जबरदस्ती मैं इस पद पर बनी रहूं, जो मेरे विरोध आंदोलन चला रहे हैं जयप्रकाश नारायण आदि लोग, ये सब उनको बंद कर दूं। तो अत्यधिक कामना से ग्रसित होकर के आदमी मनुष्य पाप कर्म करता है। तो यही बात अर्जुन ने भगवान से पूछा है गीता में, अथ के न प्रयुक्तेर पापम चरति पुरुष, और किछ कुछ है उसके बाद लिखा है बलादपि नियोजित, ऐसे जैसे कि कोई जबरदस्ती पाप कर्म करा रहा है, ऐसा पाप कर्म मनुष्य क्यों करता है। तो भगवान उत्तर दिए हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्यम यह बैरी, ऐसा कुछ उसमें है। तो भगवान कह रहे हैं कि काम और क्रोध, काम जो कि क्रोध है, जो रजोगुण से पैदा होता है, यही दोनों मिल करके मनुष्य से पाप कर्म करवा लेते हैं। जैसे कि कोई जबरदस्ती करवा रहा है ऐसे करवा लेते हैं पाप कर्म, मनुष्य जानबूझ करके पाप कर्म करता है। तो इंदिरा गांधी कितना बड़ा पाप कर्म किया है, और इसीलिए उसकी दुर्गति भी हुई अंत समय में। खाली एक पाप कर्म नहीं किया इमरजेंसी घोषणा करके, बल्कि इसमें जो इसका जो इतिहास बना था, जो शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था, बाद में जितने भी इमरजेंसी में अत्याचार हुए, एट्रोसिटीज हुए थे, वो सब की इंक्वायरी हुई थी इंक्वायरी कमीशन जनता गवर्नमेंट के द्वारा। एक जस्टिस शाह थे, उन्होंने उसको चेयरमैन थे उसके, और उन्होंने वो जाँच किया, बड़ा बढ़िया जाँच किया, बड़ा रिपोर्ट बना उनका। वो सारे रिपोर्ट्स को जब इंदिरा गांधी बाद में जीत करके वापिस आई सरकार में, प्राइम मिनिस्टर फिर बनी है, तो वो सारे रिपोर्ट्स को उनको नष्ट कर दिया है, देने का उसने योजना बनाया। लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा रही कि एक आध कॉपी उसका कहीं रह गया, छूट गया, तो जला नहीं पाए, लोगों ने बचा लिया। वो कॉपी आज भी अवेलेबल है, कुछ रुपया देने से उसकी कॉपी मिल सकता है कोई अगर चाहे पढ़ने के लिए।
900-1100 ऐसा कुछ दाम है उसका। मैं एक दिन इंटरनेट में सर्च किया था इंटरनेट में, तो वो है अवेलेबल है, तो साहब उस रिपोर्ट को दबा दिए। फिर एक क्या टाइम्स कैप्सूल या क्या क्या इतिहास को बदलने के लिए कोई कैप्सूल बना करके वो मिट्टी में कहीं गाड़े, ऐसा भी पड़ा था मुझे याद आ गया। कोई पिक्चर बना था किस्सा कुर्सी का, इसी इमरजेंसी को लेकर के, तो उस पिक्चर को बैन कर दिए और उसके सारे कॉपी जितने थे वो फिल्म के प्रिंट जितने थे वो सबको नष्ट करवा दिए। शाह कमीशन के सारे रिपोर्ट नष्ट करा दिए और वो फिल्म के भी सारे नष्ट करा दिए। तो ऐसा ये इंदिरा गांधी का मानसिकता, स्त्री का मानसिकता है, कितना भयंकर और खूंखार, सबसे हिंसक अधिक ये स्त्री, दूसरा कोई ऐसा काम ना कर सके वो ये कर दे। और ये कांग्रेस पार्टी का ये नमूना, तो शुरू से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बर्बाद किया, इसे स्पष्ट प्रमाण है। जो मूलभूत आधार को नष्ट कर देती है वो सब नष्ट हो गया उसमें। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उसके साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। तो आज उसकी वर्षगांठ है, 25 जून होने के कारण आज वर्षगांठ है, और ये इसमें आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति भी प्रभावित हुए होंगे निश्चित रूप से। जितने भी शंकराचार्य आदि हैं उनको गिरफ्तार किया गया था कि नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है इस सब प्रपंच से दूर रहता है, दूर रहना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, जो देशवासी हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति के बच्चे जैसे होते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं सब। तो उनको जो कष्ट हो रहा है उससे द्रवित होना पड़ता है आध्यात्मिक व्यक्ति को भी, और वो द्रवित होकर के उनका कल्याण की कामना करता है। तो आज उसका स्मरण करके जो भी जिनको भी जितना जितना कष्ट मिला है उनके प्रति सहानुभूति हो, और जो कष्ट देने वाली है वो तो अब शरीर में नहीं है, उसको उसका किए का फल भगवान जरूर दिए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी पाप कर्म करेगा उसका फल भगवान उसको निश्चित रूप से देंगे। तो इसलिए अपने कर्मों को प्रति सावधान होना चाहिए। और क्या तुमको क्या ले जाना है अपने साथ, जो तुम ये इमरजेंसी जैसे बुरा काम करने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए एकदम, जरा भी नहीं सोचे कि मैं पद में रहूं प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई नहीं रहता है तो क्या उसका क्या बिगड़ जाता। आराम करो, शांति से रहो, भगवान का भजन कीर्तन करो, भगवान में मन लगाओ, स्वाध्याय करो, आध्यात्मिक शास्त्र जो धार्मिक शास्त्र हैं उसका अध्ययन करो। और तुम्हारा कोई संस्कार हो तब तो अध्ययन करोगे, शादी किए कहीं किसी खान से, उसका नाम बदल दिए, उपनाम को बाद में गांधी कर दिए, फिरोज खान था वो, शायद फिरोज गांधी नहीं, बाद में वो गांधी वंदी करा करके सब लोगों को गुमराह किए हैं सब। और इसी में संस्कार नष्ट होता है। जो खानदानी कश्मीरी ब्राह्मण थे ये लोग मेरे ख्याल में नेहरू परिवार में, तो अपने कुल में विवाह होना चाहिए था जिससे संस्कार बना रहता था, लेकिन नहीं, उल्टा पुल्टा शादी उदी इधर उधर करके सब लटक पटर क्रिश्चियन क्रिश्चियन ला करके सब गड़बड़ कर। तो संस्कार क्या बनेगा, धर्म के प्रति आस्था क्या होगा, और जो धर्म का मर्म ही नहीं जानता है वो अच्छा काम कैसे कर सकता है, सदाचार में कैसे रह सकता है, वो खुराफाती खुराफात रहे। तो इसीलिए सदाचार में ही कल्याण है, दुराचार में उसका दुष्परिणाम मिलता है और सबको भोगना पड़ता है।
तो देशवासियों को ये सोचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि उनके जो नेता वो चुनते हैं वो लोग स्वस्थ स्वभाव के हों, अच्छे स्वभाव के हों, ऐसे नेता चुने जाएं जिससे कि फिर इमरजेंसी जैसा वातावरण ना बने, स्थिति ना बने और देश उसमें एक सिखों की प्रशंसा की गई एक जगह कि पूरे देश में जब इमरजेंसी लगा कोई विरोध का स्वर कहीं सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन पंजाब में सिख जो हैं कुछ मिल करके इकट्ठा होकर के वो लोग आवाज़ उठाए इमरजेंसी के खिलाफ और खूब मजबूती से आवाज़ उठाए हैं। तो इंदिरा गांधी ने उनको बात करने के लिए बुलाई, उनका विरोध करके उनको दमन करने का साहस नहीं हुआ, उसका दबाने का साहस नहीं किया और उसको बात करने के लिए बुलाई तो वो लोग बात करने से मना कर दिए, इस तरह की कुछ बातें आई थी। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम सिख लोग, सरदार लोग जो कि वॉरियर क्लास है, लड़ाकू स्वभाव के हैं, तेज हैं, साहसी हैं, वो लोग इमरजेंसी जैसे अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए और बात बोले, भगवान उनको उनका कल्याण करें जो भी। तो इमरजेंसी का स्मरण सबको रखना चाहिए और वो जो बुरे दिन आए थे ऐसा फिर ना हो तो अच्छा है, भगवान की कृपा है, भगवान से प्रार्थना करें सब कि भगवान सद्बुद्धि दें नेताओं को, सदगति उनका, ताकि वो ऐसी हरकत ना करें। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।